हम एक समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को L का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। यहाँ हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज दी गई है A, B, C, और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का माप बराबर होता है, जिसे हमने L से दर्शाया है। किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। हमारे पास त्रिभुज ABC में भुजा AB, BC और AC की माप बराबर है। त्रिभुज ABC का परिमाप हमारे पास AB जमा BC जमा AC होगा और तीनों भुजाओं की लंबाई हमें L दी गई है, इसीलिए इसका परिमाप L जमा L जमा L 3L होगा। हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप 3 गुना L होगा, यानी 3 गुना भुजा की लंबाई। यहाँ L एक चर है जो कोई भी मान ले सकता है। इसका प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप 3 गुना भुजा की लंबाई 3 गुना 3 9 सेंटीमीटर होगा। एक घन, जिसे हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, एक त्रिविमीय यानी 3-डायमेंशनल आकृति होती है। इसके 6 फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम वर्ग होते हैं। घन के एक किनारे की लंबाई L से दी जाती है। घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ आकृति में आपको एक घन दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे 6 फलक हैं और इसमें किनारों की लंबाई L दी गई है। घन के ऊपरी सीमा के जो किनारे हैं उनकी संख्या 4 है। उन्हें यदि हम L से दर्शाएं तो ये हमारे 4 किनारे होंगे। उसके बाद हम निचले पृष्ठ पर किनारों की संख्या को देखते हैं, वे भी 4 हैं। उन्हें हम L से दर्शाते हैं क्योंकि प्रत्येक किनारे की जो लंबाई है वो L दी गई है। उसके बाद हमें पार्श्व भाग या बराबर के किनारों की संख्या देखनी है। यहाँ हमारे पास इनकी संख्या भी 4 है, जिसे हमने L से दर्शाया है। यदि आप इन सभी का योग करेंगे तो हम देखते हैं किनारों की कुल संख्या 4 जमा 4 जमा 4 12 होगी। आप L गिनकर देख सकते हैं, आपके पास L की संख्या 12 है। प्रत्येक किनारे की लंबाई हमें L दी गई है। सभी किनारों की कुल लंबाई 12 गुना L 12L होगी। यहाँ L चर है और हमेशा की तरह हम कह सकते हैं चर कोई भी मान 1, 2, 3, 4 इत्यादि ले सकता है। किसी भी घन के किनारे की लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर हो और हमें घन के किनारों की कुल लंबाई ज्ञात करनी है तो हम 12 को एक किनारे की लंबाई से गुणा करेंगे और हमें एक किनारे की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। 12 किनारों की कुल लंबाई 12 गुणा 5 60 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार हम इसका प्रयोग ज्यामिति में कर सकते हैं। इसके अलावा हम वृत्त को लेते हैं। वृत्त का व्यास वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जाता है। हमें एक आकृति दी है। आकृति में हम देखते हैं कि ए बी वृत्त का व्यास है और सी उसका केंद्र है। वृत्त के व्यास को उसकी त्रिज्या के पदों में हमें व्यक्त करना है। हम यहाँ पर आकृति में देखते हैं वृत्त का व्यास, जिसे हमने डी से दर्शाया है। व्यास को हम इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसीलिए हम इसे डी से दर्शाते हैं। हमारे पास ए बी की जो लंबाई है वो ए सी जमा सी बी है। ए सी हमारे पास त्रिज्या है और सी बी भी हमारे पास त्रिज्या है। यहाँ सी से ए की दूरी, सी से बी की दूरी
और सी से पी की दूरी त्रिज्या है। और हम देखते हैं ए सी जमा सी बी का मान जब हम रखते हैं तो वो आर जमा आर होगा, दोनों का योग हुआ 2R। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास 2 गुना R यानी 2 गुना त्रिज्या के बराबर होगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने अभी देखा, किसी भी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हम उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, और हमें वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दी है, तो वृत्त का व्यास 2 गुना 2 4 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार हमने सीखा कि किस प्रकार हम बीजगणित में ज्यामिति को सीखते हैं। इसके बाद हम अंकगणित के नियम करते हैं। 2 संख्याओं के योग की क्रम विनिमेयता। हम जानते हैं कि 4 जमा 3 बराबर 7 होता है और 3 जमा 4 बराबर 7। हमने पूर्ण संख्याओं में पढ़ा है, किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं का योग जब हम ज्ञात करते हैं वो पूर्ण संख्या होता है। यहाँ हमारा जो शब्द क्रम विनिमेयता है, क्रम का मतलब है उसका सीरियल। जब हम उसके सीरियल को बदल देते हैं, यदि 2 संख्याएं हमारे पास हैं, हम पहले वाली संख्या को बाद में लिखें या बाद वाली संख्या को पहले लें और उनको आयोग करें, तो उनके योग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हम कह सकते हैं 4 जमा 3 बराबर 3 जमा 4, दोनों का योग 7 होगा। किसी भी 2 पूर्ण संख्याओं के लिए यह सत्य है। संख्याओं का यह गुण संख्याओं के योग की क्रम विनिमेयता कम्यूटिविटी कहलाता है। क्रम विनिमेयता का अर्थ है क्रम बदलना। हमने संख्याओं के क्रम को बदला, पहले वाली संख्या को बाद में लिखा और बाद वाली संख्या को पहले लिखा, परंतु हमने देखा इनके योग में कोई भी अंतर नहीं आता, तो इसे हम क्रम विनिमेयता का गुण कहते हैं। अब हम इसे चर के रूप में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए और बी 2 चर हैं जो कोई भी संख्या का मान ले सकते हैं। हम यदि ए को पहली संख्या के रूप में और बी को दूसरी संख्या के रूप में लिखें तो ए जमा बी बराबर होगा बी जमा ए। यहाँ ए और बी का कोई भी मान हो सकता है। मान लीजिए ए हमारे पास 4 है और बी हमारे पास 3 है, तो हम कहेंगे 4 जमा 3 बराबर 3 जमा 4, जैसा कि हमने ऊपर के उदाहरण में देखा है। यदि ए का मान 2 हो, बी का मान 5 हो, तो हम कहेंगे 2 जमा 5 बराबर 5 जमा 2। तो हम देख सकते हैं ए और बी का कोई भी मान लेकर हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। अब हम 2 संख्याओं के गुणन की क्रम विनिमेयता को देखते हैं। हमने पूर्ण संख्याओं में देखा, यदि 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाता है तो उनके क्रम से गुणनफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए 4 गुणा 3 12 होता है और 3 गुणा 4 भी 12 होता है। हमने 4 और 3 के क्रम को बदल दिया है। पहले 4 को 3 से गुणा किया, फिर हमने 3 को 4 से गुणा किया, परंतु हमने देखा इनके गुणनफल समान हैं। हम कह सकते हैं 4 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 4 हैं। संख्याओं का यह गुण संख्याओं के गुणन की क्रम विनिमेयता कहलाता है। हम कह सकते हैं कि योग की तरह गुणन में संख्याओं के क्रम को बदलने पर गुणनफल में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, और यदि हम योग की तरह ही चर ए और बी का प्रयोग करें तो हम इस क्रम विनिमेयता को इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ए गुणा बी बराबर है बी गुणा ए। यहाँ ए और बी कोई भी संख्या मान ले सकते हैं। यदि हम 2 और 5 लें, ए का मान 2 हो
और बी का मान 5 हो, तो 2 गुना 5 और 5 गुना 2 बराबर होगा। इसी प्रकार हमारे पास एक और नियम है जिसे हम संख्याओं की वितरणता कह सकते हैं। मान लीजिए हमें 7 गुना 38 का मान ज्ञात करना है और हमें 7 गुना 38 के लिए 38 की गुण सारणी, जिसे हम पहाड़ा कहते हैं, वो ज्ञात नहीं है, तो हमें 38 को 7 से गुणा करने के लिए किस प्रकार करना होगा। हम 7 गुना 38 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 7 गुना 30 जमा 8। हमने यहाँ पर 38 के दो भाग कर दिए, 30 जमा 8। वितरण होता है बांटना, हमने 38 को दो भागों में बांट दिया है और अब हम 7 को पहले 30 से गुणा करेंगे और उसको जोड़ देंगे 7 को 8 से गुणा करके। इस प्रकार हम देखते हैं 38 को हमने दो जगह वितरण किया था, 30 और 8 में हमने 7 को पहले 30 से गुणा किया और 7 को 8 से गुणा कर दिया, दोनों का योग कर दिया। इस प्रकार हम जब उनका गुणनफल ज्ञात करके उनका योग करेंगे तो हमारे पास 210 जमा 56 266 होगा। जब आप 38 को 7 से गुणा करके देखेंगे तो आपको यही गुणनफल प्राप्त होगा। यहाँ 7, 30 और 8 जैसी सभी तीन संख्याओं के लिए ये सत्य है। यह गुण संख्याओं के योग पर गुणन की वितरणता कहलाती है। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ नंबर्स। हमें उसका वितरण करना है और योग पर गुणन का वितरण है। हमने योग के रूप में दो संख्याओं को लिखा और उस पर गुणा किया। चरों का प्रयोग करके हम इस गुण को इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि हमारे पास इन संख्याओं की जगह चर दिए गए हों, मान लीजिए हमारे पास ए, बी और सी कोई तीन चर हैं और इनमें से प्रत्येक किसी भी संख्या का मान ग्रहण कर सकता है, तो हम ए गुणा बी जमा सी को लिख सकते हैं, ए गुणा बी जमा ए गुणा सी। उसके बाद हमें दिया है तीन संख्याओं 14, 27 और 13 के योग पर विचार कीजिए। हम यह योग दो प्रकार से कर सकते हैं। हम पहले 14 और 27 को जोड़कर 41 प्राप्त कर सकते हैं और फिर 41 में 13 जोड़कर कुल 54 योग प्राप्त होगा, जिसे इस प्रकार किया गया है। पहले 14 और 27 का योग 41 और 41 में हमने 13 को जोड़कर 54 प्राप्त किया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पहले 27 और 13 को जोड़कर 40 प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसे 14 में जोड़कर 54 प्राप्त कर सकते हैं, जिसे इस प्रकार किया गया है, 27 जमा 13 बराबर 40, 40 जमा 14 बराबर 54। आपने देखा दोनों ही तरीकों से योग 54 है। चाहे हमने पहले 14 और 27 का योग करके 13 जोड़ा हो या 27 और 13 का योग करके 14 जोड़ा हो, हमने देखा कि दोनों ही प्रकार से योग समान है। ऐसा किन्हीं भी तीन संख्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गुण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण कहलाता है, जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हमें इस गुण को पूर्ण संख्याओं के अध्यायों में पढ़ा है और अब हम इसको चर के रूप में यदि लिखना चाहें, और हमें तीन चर दिए हैं ए, बी और सी, उनका प्रयोग करते हुए हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं। ए जमा बी जमा सी बराबर होगा ए जमा बी जमा सी। कहने का अभिप्राय, पहले ए और बी का योग करेंगे, उसे सी में जोड़ेंगे, या हम बी और सी का योग करें और उसे ए में जोड़ें, तो हमारे पास योगफल समान होगा। इस प्रकार हम इस प्रकार के अंकगणित के नियम
जो बनाते हैं उसे बीजगणित की शाखा में शामिल करते हैं।